चैनल मैं पूजा, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग वीडियो है बिकॉज मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY हाइलाइटर। यस, आपने सही सुना, हाइलाइटर्स हमारे लिए आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। येस और नॉट? सो येस, बेसिकली हम अपने मेकअप को और एनहांस करने के लिए हाइलाइटर का यूज करते हैं एंड हाइलाइटर मार्केट में बहुत यू नो हाई प्राइजेस में भी हमें अवेलेबल रहते हैं। सो इनकेस अगर आप यू नो DIY हाइलाइटर अपने घर में बनाना चाहें तो आप कैसे बना सकते हैं, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ईजी है, बस 2 प्रोडक्ट्स यूज करके मैंने ये हाइलाइटर बनाया है। जरूर देखिएगा एंड आपको अगर ये यूजफुल लगे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, उसके साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं मैंने ये हाइलाइटर घर में कैसे बनाया। सो गाइस, सबसे पहले मैंने एक एम्प्टी कंटेनर लिया है, उसके बाद लिया है एक आई शैडो। ये आई शैडो एसेंस का आई शैडो है, ये कुछ शैम्पेन गोल्ड कलर में है। सो ये मेरा स्पेयर आई शैडो है, आप कोई भी आई शैडो यूज कर सकते हैं इन द शेड ऑफ गोल्ड, शैम्पेन या रोज गोल्ड, आपको जो भी शेड पसंद हो, बट वो शिमरी होना चाहिए जिससे कि हाइलाइटिंग इफेक्ट आए। सो यस, मैं इसको ऐसे यू नो स्क्रैच करके इसमें डाल ले रही हूँ उस कंटेनर में। सो आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा अमाउंट लिया नहीं है एंड देन मैं यूज़ कर रही हूँ एक पेट्रोलियम जेली। आप वेसलिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी कंपनी का पेट्रोलियम जेली यूज़ कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू आपके यू नो हाइलाइटिंग पाउडर प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेते हैं पेट्रोलियम जेली के, सो वो ज़्यादा क्रीमी ही लगेगा, हाइलाइटिंग नहीं लगेगा। सो यस, आपको इक्वल अमाउंट में इसको मिक्स करना है इस तरह। सो यस, मैंने इसको मिक्स ऑलरेडी कर लिया है एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इसका स्वॉच। मैं पहले हैंड में स्वॉच करूँगी, देन अपने चीक्स पे भी स्वॉच करके आपको दिखाऊंगी कि ये कितना बढ़िया हाइलाइटर बना है। That's it. I hope मैं आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो एंड अगर लगी हो इसको लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।